तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा पाइथन के अंदर। हालांकि पाइथन के ऊपर प्राइम नंबर के लिए मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं, आज की वीडियो भी लगभग वैसी ही है। तो यहां पर प्राइम फाइंड करना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है जिसमें हम ये फाइंड करें कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है, तो बस यही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ये आपको टाइप कर देना जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से, ये आप टाइप कर दीजिए। लॉजिक आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो लॉजिक आपको फिट बैठता है वो लॉजिक इस्तेमाल कीजिए। आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है। हर नंबर तो खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है, लेकिन और किसी से डिवाइड ना हो तभी प्राइम है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कंडीशन क्या दूंगा मैं, यहां पे इफ एल्स की कंडीशन लगाऊंगा। तो लिखूंगा इफ ए, ए में रखी हुई वैल्यू छोटी होनी चाहिए, किससे, दो से, ठीक है। दो से अगर छोटी है तब तो प्राइम हो ही नहीं सकती, वन तो कभी प्राइम नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, आपको भी ये बात पता ही होगी। तो अब यहां पर ये नॉट प्राइम लिख देंगे हम, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि इफ के बाद एक एल्स भी आता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे एक एल्स, ठीक है, और इसमें लूप लगाएंगे क्योंकि यूजर तो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है प्राइम के लिए, ठीक है। तो यहां पर फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज करके लगा लेंगे। रेंज क्या करता है, एक माइनस करके देता है, ये कई हर वीडियो में लगभग बताता हूं मैं। और यहां पे क्या करना है, स्टार्ट करना है दो से और ए तक जाना है, यानी कि जो यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू जाके किसमें स्टोर हो जाएगी, ए में, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आसानी से हो जाएगा। अब यहां पे इफ एल्स की कंडीशन फिर वापस से देनी है, इफ ए को मॉड्यूलस करवाएंगे यानी डिवाइड करवाएंगे, और डिवाइड करवाने के बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है, तो इसको आई से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। और आई की वैल्यू चेंज हो रही है, ध्यान दीजिएगा, आई की वैल्यू पहले क्या होगी, पहले टू होगी, फिर थ्री होगी, फिर फोर होगी, ए माइनस वन तक रहेगी। ए माइनस वन कैसे रहेगी, क्योंकि रेंज एक माइनस करके देता है जिसकी वजह से ये वैल्यू ए माइनस वन तक ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर क्लियर है तो फिर आगे प्रिंट करवा दीजिए इसको। क्या प्रिंट करवाएंगे, डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम, ठीक है, सीधा सीधा लिखिएगा नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर एंटर करके नीचे आइए। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर अब क्या लगाना है आपको, यहां पर फॉर के बाद नीचे आइएगा तो यहां एल्स लगाना है, ठीक है। तो यहां एल्स लगा दिया, और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में आप फिर प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट करवाएंगे प्राइम नंबर। अगर इन सारे कंडीशंस में से अलग कोई कंडीशन बन जाती है, यानी वो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, तो ऐसे में क्या होगा, वो प्राइम होगा। अब इसको जरूरत है सेव करने की, ठीक है, तो इसको सेव भी कर लेंगे हम। और यहां पर एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाएंगे, ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे, ब्रेक एक कीवर्ड है जिससे हम लूप के बाहर आते हैं। तो ये जो कीवर्ड है वो फॉर लूप से बाहर आने के लिए यहां पे लगाया गया है, ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब सिंपली इस प्रोग्राम को सेव करना है। पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन .py होती है, किसी भी नाम से सेव कर दीजिए, जिससे चाहे उससे। और यहां पर इस प्रोग्राम को चला दिया। अब यहां पर कोई नंबर जैसे टू एंटर करते हैं, टू, सिर्फ टू, तो देखिए टू प्राइम है या नहीं है, तो यहां सीधा सीधा दिखा रहा है कि टू प्राइम नंबर है, क्लियर। अब देखिए सेकेंड जो हम देखेंगे, इसको फिर रन करवाते हैं, चलाते हैं, रन करवाते हैं। पाइथन एक इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अब की बारी मैं 34 एंटर करता हूं, तो 34 क्या है, 34 नॉट प्राइम है, ठीक है। चलिए एक बार और देखते हैं, यहां पे 79 एंटर करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पे अब मैं डालूंगा 79, तो 79 तो प्राइम ही है, आपको पता ही है, तो यहां पे ये प्राइम नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हमने प्रोग्राम बना लिया है। और अगर इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।